हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और टिफिन के बारे में भी बहुत अच्छे कमेंट्स आए। तो शिप्रा को मैं सब कुछ देती हूँ जो आप लोग बता रहे हैं, क्योंकि शिप्रा का जो टिफिन है उसमें चार खंड है और चार खंड में मैं उसके फ्रूट्स भी डालती हूँ, उसकी चटनी वगैरह भी डालती हूँ, उसके अचार है, चटनी है या जो सब्जी है वो सब डाल के, और कोल्ड ड्रिंक भी अलग से उसको डाल के देती हूँ बोतल में, और ठंडा पानी डाल के देती हूँ, उसमें भी मैं बर्फ डाल के देती हूँ, जिससे कि वो जब तक सफर करती है तब तक उसकी जो कोल्ड ड्रिंक है वो ठंडी बनी रहती है। तो ये सब मैं देती हूँ, लेकिन फिर भी आपके सुझाव अच्छे लगे। तो एक मेरे कमेंट आया था कि आप टिफिन में क्या क्या देती हैं शिप्रा को या फिर अथक को, क्योंकि उनकी भी जो लड़की है वो कॉलेज जाती है और उनको रोज समस्या होती है कि टिफिन में क्या बना के दें। तो जैसे जैसे वो बोल रही हैं कि आप बनाती हैं टिफिन, उसकी रेसिपी मुझसे शेयर करें। तो आज सुबह आलू के पराठे बनाए थे, लेकिन सुबह सुबह तो क्या है कि एकदम जल्दी रहती है तो मैं रेसिपी नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं अब जो दोबारा सबके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ उसमें से आपको रेसिपी बना के बताती हूँ आलू के पराठे की। तो कई तरह के पराठे आप देख सकते हैं, वेज पराठा है, नमक मिर्ची का पराठा है, लच्छा पराठा है, या बेसन का पराठा भी बनता है, बेसन का चीला बनता है और बेसन को सेक के बेसन भर के पराठा बनता है, दाल का पराठा भी बनता है। जो भी आपकी बेटी को पसंद हो वो पराठे आप बना सकते हैं, या आजकल जो सैंडविच वगैरह बनते हैं ब्रेड के वो भी बना सकते हैं आप, चीज डाल के बना सकते हैं और कई तरह की वेज डाल के बना सकते हैं। अगर बच्चों को, आपकी बेटी को पसंद हो ब्रेड की रेसिपीज तो वो सारी मैं दूंगी आपको। सूजी का भी आप उत्पम बना के दे सकती हैं, या छोटा सा मतलब उत्पम का जो चीला होता है वो बना लें। तो ये सारी जो रेसिपी है वो मैं आपको दूंगी जरूर। अभी मैं आलू के पराठे की रेसिपी आपको दे रही हूँ। बाकी सबके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चलो बनाते हैं आलू के पराठे। तो ये उबले हुए आलू हैं, और अगर आपको लेट होती हो तो आप रात को ही उबाल के रख सकती हैं आलू को। तो आलू को आप मैश कर लें, मैशर से कर लें। मेरा मैशर टूट गया है तो मैं इससे मैश कर रही हूँ। उबले हुए आलू को छीलकर या तो रात को ही रख दें या फिर सुबह आपको टाइम है तो आप बना सकती हैं इसको। आप हरी मिर्च तीखी जितनी भी खाना चाहती हैं उतनी डाल लें, मसाले भी आप अपने हिसाब से डाल लें इसमें, तीखा खाते हैं तो तीखा डाल लें और नहीं तो हल्के मसाले भी डाल सकती हैं। तो ये है 6-7 आलू हैं, तो मैं इसमें डालूंगी 1/4 नमक, तो मैं स्वाद के अनुसार डालूंगी और बाकी मैं ये नमक डाल रही हूँ, मैं स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ। हमारे घर में थोड़ा तेज नमक खाते हैं, आप जैसे भी खाते हो वैसे डाल सकती हैं। मिर्ची मैं 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ, तीखा ही खाते हैं हमारे यहाँ, चटपटा खाते हैं। ये है धनिया, थोड़ा सा आप गरम मसाला डाल लें, इससे स्वाद आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। चना मसाला हो तो चना मसाला डाल लें, अमचूर डाल सकते हैं, नींबू का रस भी डाल सकती हैं इसमें, आपको जो भी पसंद है वो इसमें डाल लें और फिर मिक्स कर लें इसको। हरे धनिए हो तो वो भी डाल लें या फिर पुदीना हो तो पुदीना डाल लें, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। तो इसे मैश कर लें, और चाहे तो इसमें बेसन डाल सकती हैं, मैं इसमें बेसन डालती हूँ क्योंकि आलू के पराठे फटते नहीं हैं, तो मैं इसमें बेसन भून के डालूंगी या फिर बेसन भून लूंगी और उसी में इस आलू को भी भून दूंगी। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये कढ़ाई मैंने गर्म होने को चढ़ा दी है, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा तेल, बिल्कुल थोड़ा तेल डालेंगे हम। थोड़ा सा जीरा डाल दें तेल गरम होने पर, और हींग भी डाल लें, इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा आपका। और फिर आप इसमें बेसन डाल लें, 1 या 2 चम्मच काफी है। इससे क्या है
कि आलू बिल्कुल बंद से जाएंगे और आपके पराठे फटेंगे नहीं। आलू में हमने अच्छा सा मसाला डाला है, इसलिए बेसन में कोई भी मसाला डालने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो बेसन को एक दिन पहले भी सेक के रख सकती हैं, तो आपको सुबह बनाने में परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। अब इसमें आलू मिला दें, जो मसाला हमने बनाया है। अच्छा, अब ये मसाला हमारा सिक गया है। अब हम बनाएंगे आलू के पराठे। तो जो हमने आटा गूंदा है उसमें हमने नमक डाला है, तो नमक जरूर डालिए आटे में, तो आपके जो पराठे हैं वो फीके नहीं लगेंगे। तो अब मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। आटा हमने थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले गूंदा था, तो ये आटा बिल्कुल सही रहेगा और इसमें नमक डाला हुआ है। बिल्कुल धीमी आंच में सेके, नहीं तो ये जल जाएगा और अंदर से सिकेगा नहीं, ऊपर से जल जाएगा, इसलिए बिल्कुल धीमी आंच में इसको सेके। अब ये पराठा हमारा पूरी तरह से सिक चुका है, ये देखिए। तो ये तैयार है पराठा और इसे आप टिफिन में आराम से दे सकती हैं। तो इससे आप मीठी चटनी के साथ दे सकते हैं, मीठी यानी लौंजी। ये कैरी की लौंजी मैंने बनाई थी आज, तो टिफिन में मैं दे चुकी हूँ और अभी मैं इस पराठे को दे रही हूँ अपने बेटे को नाश्ते में। तो आपने देखा अभी इतना अच्छा पराठा बन गया आलू का। इसी तरह से आप वेज पराठे भी बना सकती हैं। मैं और भी जो रेसिपीज बनाऊंगी टिफिन की, वो आपको हर बार शेयर करूंगी आपसे। तो आज की वीडियो में तो इतना ही है, अब मुझे और भी पराठे बनाने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नई टिफिन रेसिपी के साथ।